ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में कई दिनों से गांव व शहरों के दौरे पर चल रही हैं। प्रियदर्शनी सिंधिया आज मुंगावली नगर में NSUI के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची, जहां इनके चेहरे पर तखाना आसानी से देखी जा सकती थी और महारानी ने भी स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं बहुत थक चुकी हूं, लेकिन आपको देखकर ऊर्जा मिलती है और हम फिर से फ्रेश हो जाते हैं। इसके अलावा प्रियदर्शनी ने कहा कि ये तो सभी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ कि भले ही पेपर से पहले सभी तैयारी है, लेकिन फिर भी मेहनत की आवश्यकता अधिक होती है, वहीं इसलिए क्योंकि जीत शानदार होनी चाहिए। साथ ही इनके द्वारा कहा गया कि इस बार महाराज को 5 लाख से ज्यादा से विजय दिलानी है। साथ ही प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने यहाँ उपस्थित NSUI के कार्यकर्ताओं से कहा कि आप ऐसे कार्य करते रहे, हम आपके आयोजन से प्रभावित होते हैं और आने वाले समय में बैठकर एक प्लानिंग बनानी है जिससे सभी युवाओं को आगे आकर बोलने का मौका मिल सके। अपने घर जाते हैं, अपने फैमिली से मिलते हैं, आपका आउटरीच भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब आप जाते हैं आपके नानी के घर या चाची के घर, आप बोलते हैं कि मुझे ये पसंद है, पॉलिटिक्स में ये अच्छा लगता है, ये आदमी का काम मुझे पसंद है, तो आप उसको फॉरवर्ड ले जाते हैं। और मैं भी एक माँ हूँ, ज़्यादा करके मैं भी मेरी बेटी के पास होती हूँ, वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्यों ये पॉलिटिशियन पसंद है, तो उससे भी इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ जाता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप निकल रहे हो अभी। मेरा बहुत बहुत प्यार आप सब बच्चों को और यूथ का, NSUI का टीम हर वक्त मुझे इतना एंथुसियाज्म देता है, इतना मुझे ही आगे बढ़ा देता है, और आप लोग मुझे भी इतना सिखाते हैं कि कैसे पेश आना, क्या बोलना, कि मुझे बहुत ही पसंद है आपके जो भी आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और आइडियाज निकालते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आगे जाकर भी हम साथ में बैठ के कुछ चर्चा शुरू करें। आप सबको मालूम है, ज़्यादा करके ये मन में लोगों ने भी ले रखा है कि ये बहुत आसान चुनाव है, महाराज तो जीत ही जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जैसे एग्ज़ाम का टाइम होता है, हर साल एग्ज़ाम आता है, पढ़ते हो, पास होते हो, लेकिन कोई कोई एग्ज़ाम्स ऐसे भी आते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा और मेहनत डालना पड़ता है, थोड़ा और उसमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो आज मुझे यही घड़ी लग रही है कि सबको ये मन से निकालना है कि ये बहुत आसान है। आसान तो ठीक है, लेकिन हमें आसानी से जीतना नहीं, हमें मज़े से जीतना है ना, हमें ऐसे जीतना है जब भी दूसरे रोए और हम हंसते चले, है ना। तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी है आप सबसे मिलके, बिकॉज आई नो कि आप लोग ही ये चुनाव का माहौल बदल सकते हैं, थोड़ा और हंसी ला सकते हैं, थोड़ा और म्यूजिक ला सकते हैं। बच्चों ने तो अभी बता दिया है कितने से विजय होंगे, तो बच्चों के मुंह से सीधे भगवान के कान तक। जमीनी स्तर पे आपकी काफी अच्छी पकड़ देखी जा रही है और ग्रामीण क्षेत्र में भी काफी आपको प्यार मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने मेहनत की कोई बात की है कि मेहनत करनी होगी, तो ऐसा तो नहीं ग्रामीण क्षेत्र में आपको कहीं कमज़ोर कड़ी नज़र आ रही हो जिसके लिए मेहनत की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं, 17 साल से तो महाराज मेहनत ही कर रहे, अकेले ही काम कर रहे, BJP का कोई गवर्नमेंट से तो क्या मदद मिली है, उल्टा कुछ काम ही नहीं हुआ है। तो हाँ, आगे तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अभी अब हमारी सरकार आ गई है तो अभी काम करने तो बहुत ही आसान है ना। अशोकनगर से ग्राउंड रिपोर्टर संजय नामदेव की रिपोर्ट।